Hello guys, this is your friend Bilal Mohammed and welcome back to another video. So guys, today I am in Karnataka Aquarium and today with me is the owner of Karnataka Aquarium, Sayed Bhai. So he'll be guiding us and showing us the complete whole birds and exotic pets what he have here. So we'll start the video. So guys, so sir, what you want to show us first? मेरे पास अभी लव बर्ड्स है बजरी. क्या फीड देते हैं सर इसको? इसको सावा बोलते हैं, सावा. कैसा नॉर्मल वाटर है, कटल बोन आता है, कैल्शियम कटल बोन. सेमी एडल्ट है या एडल्ट है सर? ये पूरा सेमी एडल्ट है, पूरा अडल्ट भी अलग है, सेमी एडल्ट भी है. इसका कितना पड़ेगा प्राइस रेंज? 600 रुपीज़ पेयर. 600 रुपीज़ पेयर पेयर. नेक्स्ट क्या बताएंगे सर? डव, डायमंड डव है, डायमंड डव, केप डव और कॉकटेल भी है. इनका भी फीड सेम है? हाँ सेम 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 फीड है. ये पिजन से बिलोंग करते हैं, पिजन फैमिली से बिलोंग. डिफरेंस क्या है सर ये और ये डव में? ये केप डव है और ये डायमंड डव है. कलर वेरिएशन? कलर वेरिएशन अलग है और प्राइसिंग भी अलग है और कंट्री भी अलग है, ब्रीड कंट्री भी अलग है. कितना पड़ेगा सर इसका? केप डव का 3000 डायमंड डव का 3500 रुपीज़ है और केप डव का 12000 रुपीज़ पेयर है और कॉकटेल का 4000 रुपीज़ पेयर है. सर ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरेबल है? हाँ हाँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं. और चिकन्स में है, जिसको फाइटिंग कॉक बोलते हैं वो है. इसको क्या फीड देते हैं सर? ये बाजरी बोलते हैं. धान, बाजरा. इसका क्या प्राइसिंग पड़ेगा? इसका 15000 रुपीस पेयर है. ओके. और डक्स है, डक्स बता. ये कौन सा बर्ड? अल्बिनो फेसेंट है. ये 35000 रुपीस पेयर है. ये कौन सी कंट्री का? ये पूरा यूके का है, पूरा यूके. और अभी तो ये ब्रीडिंग इधर लोकल में ही होता है. ओके. यूएस में का ब्रीड है ये. और ये सिल्की चिकन है और फाइटिंग कॉक के बच्चे भी हैं. ये क्या है? ये सैंटेल पिजन है. ये मेल फीमेल है? हाँ मेल फीमेल ही है, ये सैंटेल पिजन है. इसका क्या प्राइस रेंज पड़ेगा? ये 3500 रुपीस पेयर है और नॉर्मल पिजन भी है, ये 1200 रुपीस पेयर है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाएंगे और ये हाई फ्लाइंग पिजन बोलते हैं वो, जो रेस कॉम्पिटिशन में वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं. और ये भी को नूरी बोलते हैं, ये भी फाइटिंग कॉक ही है. ये मतलब ये कौन से कंट्री या स्टेट का? ये लोकल इंडिया का ही है और ये मेन तमिलनाडु से बिलोंग करता है. प्योरली फाइटिंग के लिए? हाँ फाइटिंग के लिए यूज करते हैं. और मेरे पास अभी अंगोरा रैबिट बताऊंगा. अंगोरा रैबिट्स है जिसको ये जॉइंट अंगोरा रैबिट है. ये अच्छे साइज, बड़े साइज में आते हैं. आईज भी रेड कलर है इसका? हाँ ब्लू कलर में आते हैं आईज, रेड एंड ब्लू आते हैं. कितना पड़ेगा इसका? ये 18000 रुपीस पेयर है और इसमें दो कलर आते हैं, एक ब्लू अंगोरा एक वाइट अंगोरा आता है. ये कौन से प्लेस का है सर? ये भी पूरा यूएस के ही आते हैं, अभी तो इधर लोकल में ही ब्रीड कर रहे हैं पूरा. okay. और ये बर्जिस है, ये भी मेरे पास अभी बड़े अडल्ट बर्जिस है. ये 600 रुपीस पेयर है और इधर भी आप देख सकते हैं रैबिट और स्टॉक है, रैबिट है, बजिस पूरा स्टॉक है.
वो ब्लू कलर का रैबिट है। हाँ, ये ब्लू रैबिट बोलते हैं इसको, ब्लू अंगोरा रैबिट बोलते हैं इसको। अभी तो इसकी कटिंग हो गई है तो थोड़ा हेयर कम है, इसको हेयर कटिंग भी करना पड़ता है। हाँ, हेयर कटिंग करते हैं इनकी, ईयरली वंस हेयर कटिंग करते हैं। आप इसके जैसे देख सकते हैं, आंग भी नहीं दिख रहे हैं इसके। आंग भी दिख रहे नहीं। हाँ, ये पूरा ऐसा फुल कोटिंग आती है। इनको क्या फीड देना पड़ता है? इनका भी फीड आता है, ये इंपोर्टेड फीड आता है इनका, इंपोर्टेड फीड। हाँ, ये पूरा कॉर्न वगैरह में बना के रहते हैं, ये रेडीमेड फीड मिल जाएगा आप। ये भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरेबल है? हाँ हाँ, ये अंगोरा सब जो मेरे पास पेट्स मिलता है पूरा ऑल ओवर इंडिया ही डिलीवर करता हूँ। ओके, और डिलीवरी एक्स्ट्रा कितना होगा? वो चार्ज डिफरेंट चार्ज डिपेंड करता है, जैसा बजीज है उनके लिए केज अलग लेना पड़ता है, और रैबिट है रैबिट के लिए केज अलग लेना पड़ता है, तो वो सब डिपेंड करता है। जैसा अभी मेरे पास देखिए इगुआना है, इगुआना का तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते। देखिए इगुआना, अलग अलग कलर में भी है मेरे पास इगुआना, ग्रीन में है, रेड में है। कितना है इसका प्राइस? इसका 35,000 रुपीस सिंगल पीस है। एक मतलब सेमी एडल्ट है कि कंप्लीट एडल्ट है? ये अभी सेमी एडल्ट है, इसमें सेमी एडल्ट में भी, और मेरे पास वन ईयर एज के भी हैं, ये अभी 2 साल के हैं। अलग अलग एज साइज के हैं? अलग अलग एज साइज और रेट भी अलग अलग आता है। देखिए 1 साल का इगुआना है तो इसका 22,000 रुपीस पर पीस होगा। लास्ट मैक्स साइज कितना होगा इसका? इसका 6 फीट तक जाता है। 6 फीट तक जाएगा? हाँ, 6 फीट तक जाता है। और भी बहुत सारे इगुआनास हैं मेरे पास। और फिंचेस है, जिब्रा फिंचेस। क्या है इसका प्राइस? ये 500 रुपीस पेयर है। और बर्ड्स में अफ्रीकन लव बर्ड लुटिनो में है, ब्लू मास्क है, फिशर है, कॉकटेल है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी भी है इसमें। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा, स्टार्टिंग रेंज? कॉकटेल का 4,000 रुपीस है, और अफ्रीकन लव बर्ड में डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर। लुटिनो है 3,000 रुपीस पेयर, और ब्लू मास्क है 6,000 रुपीस पेयर, और जो फिशर दिख रहा है वो 4,500 रुपीस पेयर है। और बजीस आप देख सकते हैं, मैं इसको सेपरेट रखा हूँ, पूरे स्पैंगल है ये। इसका जो कलर वेरिएशन एकदम डिफरेंट आता है ये मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं इसका पैटर्न एकदम अलग है। ये स्पैंगल बज्जी बोलते हैं इसको, एकदम पैटर्न अलग ही आएगा इसका। इसका क्या प्राइस रेंज पड़ेगा? इसका 1,500 रुपीस पेयर है। ये पीच कलर? हाँ, ये पीच अफ्रीकन लव बर्ड है, ये 2,500 रुपये पेयर है। इसको एडिशनल सनफ्लावर भी देता है क्या? हाँ, ये सनफ्लावर, अफ्रीकन लव बर्ड और कॉकटेल को सनफ्लावर कंपलसरी है। ये बहुत कम खाएंगे, जो लव बर्ड फूड बोलते हैं वो बहुत कम खाएंगे, और सनफ्लावर ज़्यादा खाएंगे, और फ्रूट्स ये ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये कौन सा पिजन है? वही अभी हाई फ्लाइंग पिजन है, ये जो कंपटीशन के लिए यूज़ कर। हाँ, कंपटीशन के लिए जो यूज़ कर। और ये कौन सा पिजन? कोई कर नहीं रहा है। और ये फैंसी पिजन है, माल्टा पिजन बोलते हैं इसको, माल्टा ब्राउन माल्टा बोलते हैं इसको, और ये 4,500 रुपीस पेयर है। 4,500 रुपीस पेयर। और अभी मेरे पास देखिए ब्रिटेड ड्रैगन है, ये भी बहुत रेयर आते हैं। ये अभी कम से कम 1 फुट के ऊपर ही होगा। ये किधर का है ये ब्रीड? ये भी पूरा यूके का ही है, फॉरेन का ही है। ये पहली टाइम देख रहा हूँ। क्या खाता है ये फीड के लिए? ये सुपर मिलवॉर्म्स खाते हैं। सुपर मिलवॉर्म्स? हाँ, सुपर मिलवॉर्म्स खाते हैं। थोड़ा फ्लैट है ना ये? हाँ, फ्लैट है, और ये कुछ अलग ही वैरायटी में गिने जाते हैं। कम्प्लीटली रेयर एग्जॉटिक? हाँ, ये बहुत रेयर और एग्जॉटिक में आते हैं। क्या पड़ेगा इसका प्राइस? इसका सिंगल पीस का 35,000 रुपीस है। 35,000 रुपीस? हाँ, सिंगल पीस। जैसे इगुआना पालने वाले लोग हैं वैसे ही इनके भी शौकीन हैं ये, और ये कुछ एग्जॉटिक में ही आता, बहुत कम ही मिलता है ये।
और मेरे पास बहुत सारे पीस आए थे, स्टॉक खाली हो गया, अभी सिर्फ दो ही पीस बचे हुए हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आपके पास मील, उनका मील वर्म भी मिलेगा उसका जो फीड? हाँ, उधर आप देख सकते हैं, उधर मील वर्म भी है मेरे पास। वो सुपर मील वर्म्स है। कितना पड़ेगा उसका, मतलब कितना क्वांटिटी को कितना मिलेगा? अगर 100 पीस लेंगे तो 1000 रुपीस होगा, मतलब ईच पीस 10 रुपीस के हिसाब में आती है। और मैं आपको रेयरेस्ट टर्टल्स बताता हूँ, जो चाइनीज लॉन्ग टेल बोलते हैं, गोल्डन ट्रेड बोलते हैं, वो रेयर टर्टल भी है मेरे पास। देखिए आप ये स्टॉक देख सकते हैं, पूरे इंडिया में सप्लाई होने जा रहा है, ये पूरा अलग अलग स्टेट में जा रहा है। और ये गोल्डन ट्रेड आप देख सकते हैं, ये भी बहुत रेयर टर्टल मिलता है, गोल्डन ट्रेड टर्टल बोलते हैं, ये भी बहुत रेयर टर्टल आता है। एक मतलब कितना पड़ेगा इसका प्राइस? इसका एक सिंगल पीस का 4500 रुपीस है। 4500। इसको जो कॉमन जो टर्टल फूड देते हैं वही इंटेक करेगा? हाँ, टर्टल फूड भी खा सकते हैं, और थोड़ा छोटा छोटा चिकन, अभी तो चिकन नहीं खाएगा, थोड़ा बड़ा होने के बाद चिकन के पीस भी डाल सकते हैं। टर्टल फूड पे भी अगर पाल रहे हैं तो भी अच्छा है। और इसमें आप स्टॉक देख सकते हैं, काफ़ी सारा स्टॉक आया हुआ है। तो और मेरे पास वैरायटीज ऑफ टर्टल्स आते हैं, हर वीक में नए नए वैरायटी टर्टल आते हैं। और रेडियर स्लाइडर आप देख सकते हैं, ये 1200 रुपीस पेयर है रेडियर स्लाइडर। इंडिया, हमारे इंडिया में सब में ज़्यादा सेल होने वाला टर्टल है, पूरे इंडिया में सब में ज़्यादा सेल होने वाला टर्टल है। मेरे पास कम से कम एक वीक में 1,00,000 के पीस करीब सेल होते हैं। ये 600 रुपीज़ ईच पड़ेगा? हाँ, ये 1200 रुपीज़ पेयर। हाँ, और मेरे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ माउस हैं, जिसको माउस बोलते हैं, माइस बोलते हैं, डोर माइस भी बोलते हैं इनको। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी है मेरे पास, प्योर वाइट में भी है, ब्राउन एंड वाइट में है। ब्राउन एंड वाइट वो उडेड रैट्स हैं, उसे क्या ब्लैक एंड वाइट में वो बड़े रैट्स हैं, उडेड रैट। प्राइस रेंज क्या पड़ेगा उसका? उसका सब 1200 रुपीस पेयर है। और ये जो छोटे माइस हैं वो 600 रुपीस पेयर है। और इसमें मेरे पास बहुत सारे कलर में आए हुए हैं अभी। ये क्या फीड लेंगे? ये इनका अलग से फीड आता है, जैसे मैं रैबिट का फीड बताया था वैसे ही इनका भी अलग से फीड आता है। वो थोड़ा मोटा रहता है, साइज वो भी आपके पास मिल जाएगा? हाँ, वो भी मेरे पास स्टॉक रहता है। और अभी तो स्टॉक मेरे पास बड़े बड़े टर्टल्स भी, बड़े टर्टल्स में भी है मेरे पास अभी स्टॉक, लेकिन पूरा अलग गोडाउन में रखा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें और बड़े बड़े टर्टल्स भी आते हैं मेरे पास। रेड स्लाइड टर्टल है, रेड डियर स्लाइडर टर्टल है। और चिकलेट्स में, फिशेस में भी मेरे पास थोड़ा बहुत वैरायटी मिल जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें रेड पैरेट है, सॉरी येलो पैरेट है, रेड पैरेट है, ग्रीन टेरर है, फायर माउथ है, फाइव कलर चिकलेट्स है। और अगर किसी को ये लेना चाहिए तो टर्टल कितना प्राइस पड़ेगा इसका? इसका 6000 रुपीस पेयर है, जो बड़ा है वो 6000 रुपीस पेयर है, और जो वो छोटा है वो 1200 रुपीस पेयर है। तो मेरा एड्रेस है जेपी नगर, 5th फेस, विनायका नगर सर्कल। और मेरा आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर तो डिस्क्रिप्शन में दे दो। हाँ, दे देंगे। और मेरे पास डिफरेंट वैरायटीज, पूरा एग्जॉटिक एनिमल्स भी मिलते हैं, और बहुत सारा फूड वैरायटी में, और फिल्टर हो गया, सब एक्सेसरीज, एक्वेरियम एक्सेसरीज और बर्ड्स फूड, एवरीथिंग मेरे पास अवेलेबल में है। मेरा शॉप का एड्रेस फिर से बोल देता हूँ, बैंगलोर जेपी नगर 5th फेस, विनायका नगर सर्कल, सर्कल में ही मेरा शॉप है। सर आपका एक यूट्यूब चैनल भी था, उसका नाम बोल सकते हो आप? हाँ, कर्नाटका एक्वेरियम मेरा यूट्यूब चैनल है। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए चेक कर सकते हो उनका यूट्यूब चैनल, लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सर।